रोमिल के इस प्रैंक ने अनुज कपाड़िया का किया भला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रोमिल ने प्रैंक किया और प्रैंक बिगड़ गया, पाखी हाथों से निकल गई और पाखी जिस अवस्था में मिली वो वाक्य में बहुत ज्यादा सोचने वाली अवस्था है कि अगर उससे आगे कुछ होता तो क्या होता। मगर इस प्रैंक में एक इंसान का भला हुआ, वो है अनुज कपाड़िया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि एवरीथिंग हैज सम रीजन। किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो हमें तब नजर नहीं आता है, बाद में नजर आता है। रोमिल ने बदला लेने के लिए प्रैंक किया, गलत किया, मगर उस प्रैंक में से पाखी निकली। सब कुछ हम बात कर रहे हैं, अनुपमा भी बात कर रही है, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि अगर ये हो जाता, अगर पाखी गुंडों के हाथ लग जाती, अगर पाखी को कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। मगर कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए पाखी को उस दर्द में से निकलना पड़ा, क्योंकि पाखी ने खुद बहुत सारे लोगों को दर्द दिए हैं भाई, खास करके अपनी मां को। तो पाखी को भी तो उन सब दर्दों का हिसाब देना पड़ेगा। आज अनुपमा चीख चीख के बातों को कह रही है कि मेरी बेटी रात को क्या सोचती होगी। बिल्कुल सही कह रही है, कोई भी लड़की अगर कहीं पे बंद हो जाएगी तो उसको 10 तरह के ख्याल आएंगे। मगर यहां पे जो एंड रिजल्ट निकलने वाला है वो अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि रोमिल के प्रैंक ने पाखी को मालती देवी से मिलवाया और पाखी मालती देवी के साथ घर वापस आई। अब मालती देवी, शुरू से ही हम सब जानते हैं, समझ पा रहे हैं कि मालती देवी और अनुज का कनेक्शन है। मालती देवी और अनुज का पहला एनकाउंटर सबको याद होगा कि मालती देवी घर के अंदर आई थी और उसके पैर में कांटा चुभने वाला जो भी था, कांच का जो भी था, अनुज ने मालती देवी के पैरों के नीचे अपना हाथ रखा था, कांटों से अपनी मां को बचाया था। अब मालती देवी जिस हालत में है, मेमोरी लॉस है, जो भी है, उनकी जो भी बीमारी निकलेगी वो निकलेगी, मगर अब मालती देवी यहीं पे रहेगी, क्योंकि मालती देवी ने पाखी को बचा के अपनी जो है कंफर्मेशन दे दी इस घर में रहने की। क्योंकि अनुपमा तो खुद मालती देवी को ढूंढ रही है कि मेरी गुरु मां कहांगी, मेरी गुरु मां कहांगी, और अनुपमा तो मालती देवी को रखेगी ही। और यहां पे जब अनफोल्ड होगा कि मालती देवी अनुज कपाड़िया की मां है, तो ये प्रैंक कहां जाके इसका रिजल्ट निकलेगा आप सोच सकते हैं। एक अनाथ बच्चा जिसने बचपन से लेके अब तक अपने रियल पेरेंट्स को समझा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, उसको अपनी रियल मां मिलेगी। क्योंकि मालती देवी को तो कहीं ना कहीं अंदाजा होगा, या जैसे भी ये अनफोल्ड होगा, जी के आएंगे, जो भी होगा, मगर अल्टीमेटली ये रोमिल का प्रैंक ही है जो मालती देवी को घर तक लेके आ गया। तो हर चीज का कारण होता है। हमें उस समय लगता है कि बहुत बुरा हो गया, हम ये नहीं सोचते कि कुछ बुरा नहीं हुआ है, एक बुरा समय था वो निकल गया। अगर बुरा होना होता तो पाखी के साथ बुरा हो जाता, मगर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा होना था। तो ये रोमिल के प्रैंक की वजह से मालती देवी और अनुज का मिलन होगा। तो किया ना अनुज कपाड़िया का भला रोमिल ने, क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.